so uh, today's uh, video is about uh, k nearest neighbor approach so i'll just uh, very quickly in a very short video i'll try to explain what um, k nearest neighbor uh, approach is primarily k nearest neighbor approach is uh, instant Instance-based uh, approach. It comes under uh, this category. It's a classification uh, problem uh, that you can solve using KNNs, or you can also solve regression problems. So let's just pose uh, the problem first. So, so you have got various. फीचर्स फॉर एग्जांपल एक्स वन इज़ वन ऑफ द फीचर्स फिर आपके पास एक्स टू हो सकता है यू हैव गॉट लाइक एन डिफरेंट टाइप्स ऑफर फीचर्स और अगर ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो आपके पास क्लास लेबल जो है वो आ जाएगा एंड यू विल हैव सम डेटा सेट एसोसिएटेड हेयर सो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इंस्टेंसिस की वैल्यूज़ आपको दी होंगी और उसके बाद आपके पास कुछ क्लास लेवल होगा इट कुड बी बाइनरी क्लास प्रॉब्लम और मल्टी क्लास प्रॉब्लम The and using this uh, data that we have got, which is primarily what we call as the training data set, uh, during using the training data set, we try to uh, <coughs> develop a model or uh, wo model kya karega ke unseen data set, jo aapke pas uh, unseen uh, values of x1, x2, x3, joke training mein nahi hai. We can also like call them tests. सेट इसके लिए क्लास लेबल को जो है वो प्रोडक्ट करेगा अगर क्लास लेबल को प्रोडिक्ट कर रहा है देन इट्स अ क्लासीफिकेशन प्रॉब्लम और अगर वो कोई वैल्यू प्रडिक्ट कर रहा है देन इट्स बेसिकली रिग्रेशन प्रॉब्लम तो के नियरेस्ट नेबर अप्रोच जो है वो क्लासीफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं तो लेट्स हाउ दिस अप्रोच एक्चुअली वर्क्स राइट Uh, अच्छा तो इस, इस 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 अप्रोच के अंदर लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल प्रॉब्लम अ टू क्लास प्रॉब्लम और अ बाइनरी प्रॉब्लम लेट्स से कि मेरे पास uh, दो एट्रीब्यूट्स हैंट्स ए के एक्स वन इज़ वन एट्रीब्यूट एंड एक्स टू इज़ अनदर अदर एटरीब्यूट एंड आईव गॉट अ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ शोन हेयर सो एक क्लास को जो है वो मैं ट्राइंगल्स से रिप्रजेंट कर देता हूँ तो लेट्स से कि आई गॉट दिस ट्राइंगल्स और दूसरी क्लास को जो है वो मैं स्टार्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ सो आई हैव गॉट दिस टू दिस थ्री डेटा पॉइंट्स जो कि ये ये स्टार से रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो ये मेरे पास दो क्लासेज हैं यू रिमेंबर सपोर्ट वैक्टर मशीन के अंदर हम सपोर्ट वैक्टर्स निकालते हैं और उसके बाद मार्जिन को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं केस ऑफ अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हम इसकी जो है वो सिगमर्ट फंक्शन या लॉजिस्टिक फंक्शन को यूज़ करते हुए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं या उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर अनसीन डेटा सेट इन अ पर्टिकुलर क्लास वो आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे विच इज़ दिन एन और द के दीरेस्ट नेबर अप्रोच यहाँ पे द सिचुएशन इज़ लिटल डिफरेंट यहाँ पे हम ये करने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम बेस्ड अपॉन द्रॉक्सिमिटी क्लोजस्ट नेबर्स वहाँ से क्लासीफिकेशन करने की कोशिश करते हैं तो लेट्स ए के मेरे पास एक पॉइंट एक अनसिन पॉइंट आ जाता है विच इज रिप्रजेंटेड बाई दिस सर्कल हेयर तो इसका लेवल मुझे आइडेंटिफाई करना है तो हाउ वििस प्रॉब्लम तो इस इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए देर आर लाइक थ्री फोर स्टेप्स दैट आई टू the first step that this algorithm uh, would <coughs> would perform is कि सबसे पहले आपने ये जो un unlabeled data point है which is represented by a, circle इसका हम distance निकालते हैं from all the points that are given to me तो यहाँ से दोनों classes के अंदर जो points हैं उनका distance यहाँ से आप निकालते हैं। तो for example इस, इस circle का मैं distance निकाल लूँगा from this triangle फ्राम दिस triangle, from फ्राम दिस ट्राई तो ये एक क्लास से इसका डिस्टेंसिज़ आ जाएंगे और इसी तरह से इस पॉइंट का मैं डिस्टेंस निकाल लूँगा फ्राम दि अदर क्लास जो कि स्टार क्लास से डिस्टेंसेज आ जाएंगे तो कुछ डिस्टेंसेज इस पॉइंट के आगे ट्राइंगर क्लास से और कुछ डिस्टेंसेज मेरे पास आगे स्टार क्लास से तो टोटल मेरे पास नाइन सिक्स डिस्टेंसेज मेरे पास आ जाते हैं तो मैं सबसे पहला जो काम मैं करूँगा मैं इनके सेकेंड थिंगट आई एक्चुअली बी डूइंग इज और डिस्टेंस कैसे निकालना है वील कम टू दैट पॉइंट इन अ वाइल से देन बेस्ड ऑन द अप्रोक्सीमटी हम इन डिस्टेंसिस की बेस के ऊपर इन पॉइंट्स को रैंक कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल जो क्लोजस्ट पॉइंट है यानी जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा हम उसको रैंक वन देते हैं आई मीन टॉप ऑफ द लिस्ट उससे ले कर चले जाएंगे तो लेट मी नंबर दीज पॉइंट फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कह देता हूँ वन टू थ्री देन आई है फोर फाइव एंड सिक्स तो इस केस के अंदर जो है वन और फोर जो हैं दे आर क्लोजेस्ट एंड लेट से लेट्स जूम लेट्स जूम दिस पर्टिकुलर केस के फोर जो है उसका डिस्टेंस जो है वो सबसे कम है तो अगर मैं इसको रैंक करूं तो रैंक के अंदर पॉइंट फोर जो है वो रैंक यानी टॉप ऑफ द रैंक आएगा देन पॉइंट वन विल कम इन देन प्रॉब्ली पॉइंट थ्री विल कम ठीक है क्योंकि एंड देन प्रॉब्ली पॉइंट टू विल कम और उसके बाद मेरे पास लेट्स से फाइव और सिक्स तो ये मेरे पास तमाम पॉइंट्स का रैंक आ जाता है दैट मीन्स कि ये जो सर्कल अनन नोन पॉइंट से फोर जो है वो क्लोजेस्ट है उसके बाद वन आता है उसके बाद थ्री आता है उसके बाद टू है फाइव एंड सिक्स है सो दिस इज बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस विच हैव कैलकुलेटेड एट स्टेप नंबर वन तो पहले स्टेप में डिस्टेंसेज कैलकुलेट किए दूसरे स्टेप में मैंने उन डिस्टेंसेज की बेस के ऊपर उसे ये uh, पॉइंट्स को जो गिवन पॉइंट्स हैं ऑल ऑफ़ द पॉइंट्स उसको मैंने रैंक कर दिए एंड देन कम्स द थर्ड स्टेप एंड द थर्ड स्टेप इज कि आई डिफाइन द नेबरहुड और उस उस नेबरहुड को डिफाइन करने के लिए आई बेसिकली डिफाइन द वैल्यू ऑफ के तो नेबरहुड में जो है वो मैं वैल्यू ऑफ के डिफाइन करता हूँ दैट मीन्स के मैं Uh, कितने पॉइंट्स को एट अ टाइम कंसिडर करूँगा कुछ सो लेट से कि इफ़ आई पुट द वैल्यू ऑफ के इज़ इक्वल टू वन दैट मीन्स कि मैं नेबरहुड की वैल्यू वन अज्यूम कर लेता हूँ इस केस के अंदर तो मैं इस रैंक के अंदर से जो टॉप मोस्ट पॉइंट है विच इज़ फोर मैं सिर्फ उसी को उठाऊंगा और देखूंगा कि वो किस क्लास को बिलोंग करता है दैट बिलोंग्स टू क्लास स्टार तो मैं ये जो अन नोन पॉइंट है इसको मैं लेवल असाइन कर दूंगा स्टार ठीक है अच्छा अगर मैं नेबरहुड डिफाइन करता हूँ ऑफ टू देन दैट वुड मीन कि मैं टॉप टू पॉइंट्स जो हैं उनको मैं उठा लूँगा जिस इज विच इज़ फोर एंड वन अब इस केस में फ़ोर जो है दैट बिलोंग्स टू स्टार क्लास और वन जो है दैट बिलोंग्स टू दी ट्राइंगल क्लास इस केस में मेरे पास टाई आ जाती ठीक है अब जब इस केस में मेरे पास टाई आ गई तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं मेजॉरिटी वोट की बेस के ऊपर डिसाइड कर लूँ इसमें मेजॉरिटी दोनों की नहीं है एक एक पॉइंट दोनों को बिलोंग करता है तो आई 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 कैन से दैट इट्स इन डिसीजन सो ओके आई एम आई एम नॉट रियली इन अ पोजिशन टू डिसाइड इन दिस पर्टिकुलर केस या फिर ये है कि मैं ए, ए, जो डिस्टेंसेज हैं उन इन दोनों में से जो कम डिस्टेंस है उसको मैं उठा लेता हूँ और उसको उसका लेवल में असाइन कर लेता हूँ लेकिन जनरली वाट इज कि मैं मेजारटी वोटिंग करूँगा इस केस के अंदर अब इस केस में प्रॉब्लम के इज़ एक टू टू वैल्यू के लिए ये है कि एक अगर मेरे पास एक क्लास का दूसरा जो है वो दूसरी क्लास का है तो मेजार्टी वोट में अगर इक्वल नंबर ऑफ लेबल्स आ जाते हैं ए, ए, एक एक पॉइंट एक क्लास का दूसरे पॉइंट दूसरे क्लास का तो मेजार्टी वोटिंग जो है वो मेरे पास कोई भी मेजॉरटी में नहीं है तो दैट वुड लीड मी टू एन इन डिसीजन पॉइंट सो दैट मीन्स कि जो नेबरहुड में डिफ़ाइन करूँगा जनरली वो नेबरहुड में ऑड नंबर डिसाइन डिसाइड करूँगा ताकि इस तरह की टाई ना आए तो इस केस में टाई आ जाते तो लेट से कैंड मैं अगर के की वैल्यू थ्री डिफाइन करता हूँ तो उस सूरत में मैं टॉप थ्री पॉइंट्स उठाता हूँ और मेजॉटी वोटिंग की बेस के ऊपर मैं डिसाइड कर देता हूँ कि ये जो सर्कल मेरे पास आया ये सर्कल जो है वो किस क्लास के बिलोंग करते हैं तो अगर मैं इस सिनेरियो में देखूं और के की वैल्यू मैं थ्री रूँ तो टॉप थ्री के अंदर एक स्टार है और दो मेरे पास ट्रायंगल्स हैं तो इस इस सर्कल को बेसिकली मैं फिर ट्रायंगल लेबल कर सकता हूं ओके एंड सो ऑन एंड सो फॉर सो दैट्स वाई द नेम के नियरेस्ट नेबर तो के नियरेस्ट नेबर का मतलब ये होगा कि मैं एक नेबरहुड डिफाइन करता हूँ विच इज़ रिप्रजेंटेड बाई के और उसकी बेस के ऊपर मैं मेजॉरिटी वोटिंग करके क्लास लेबल असाइन कर राइट सो सो दिस इज़ हाउ द केयर नियरेस्ट नेबर अप्रोच एक्चुअली वर्क्स इन सो इसी तरह से अगर कोई एक और पॉइंट मेरे पास आता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मेरे पास एक एक सर्कल आ जाता है तो एग्जैक्टली द सेम थिंग जो कि मैंने दूसरे पॉइंट के लिए की थी ऊपर वाले पॉइंट के लिए किसी मैं इस पॉइंट के लिए करूँगा कि यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है टू ऑल द पॉइंट्स ठीक है वो निकालूंगा उसके बाद इन डिस्टेंसेज की बेस के ऊपर रैंक करूंगा और रैंक करने के बाद मैं के की वैल्यू डिफ़ाइन करूँगा के की वैल्यू लेट्स कि इस केस के अंदर भी मैं अगर टू रखता हूँ और टू रखने के बाद आई एल एक्चुअली बी डिफ़ाइनिंग के इस केस में पॉइंट नंबर वन इसके नेरेस्ट पॉइंट में आएगा और अगर अगर मैं थ्री फॉर एग्ज़ाम्पल रखता हूँ इस केस के अंदर तो बेस्ड ऑन द डिस्टेंस लेट्स से ए मुझे लग रहा है कि थ्री शायद ज़्यादा करीब है फोर के तो शायद इसकी जो नेबरहुड बने वो कुछ इस तरह से इसकी नेबरहुड बन जाए फोर के इज़ इक्ल टू थ्री ठीक है ए, दिस इज दिस इज़ इन द केस के जब मेरे पास पॉइंट फोर जो है उसका डिस्टेंस जो है वो पॉइंट थ्री के जो पॉइंट नंबर थ्री है उसके डिस्टेंस से ज़्यादा आता है तो इस तरह का कोई नेबरहुड मेरे पास बनेगी फॉर के इज इक्वल टू थ्री अब इसमें देख लें कि मेजोरिटी जो है ऑल थ्री पॉइंट्स बिलोंग टू ट्रायंगल तो इस इस पॉइंट को मैं ट्राइंगल लेबल कर दूंगा तो इस तरीके से मैं इसकी लेबलिंग प्रमेरली जो है वो करूँगा ओके सो आई कैन एक्चुअली यूज़ दिस फॉर फॉर लेबलिंग अब लेबलिंग के लिए तो मैंने इस तरह से यूज़ कर दिया लेकिन अगर ये रिग्लेशन प्रॉब्लम हो तो उस पर भी आते हैं कि अगर रिग्लेशन करनी है तो फिर इस तरीके से कैसे करेंगे लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट डिस्टेंस कैलकुलेशन सो डिस्टेंसेज जो मैं कैलकुलेट करूँगा इस केस के अंदर लेट्स ए के डिस्टेंसेज अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो डिस्टेंसेज uh, कैलकुलेट करने के लिए प्रमेरली एक्चुअली बी लेट्स ए के डिस्टेंस कैलकुलेशन मैं कैसे करूँगा तो देर आर थ्री डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस और इन फैक्ट फोर डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस तो फर्स्ट इज वॉट वी कॉल एज एल वन डिस्टेंस एल वन डिस्टेंस कह लें या एल वन नॉम आप उसमें कह लें तो इस केस इस में दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेन डिस्टेंस ठीक है तो मनहैटन डिस्टेंस के अंदर लेट्स ए के मेरे पास अगर एक पॉइंट ये है लेट्स कॉल द स्पीक यू और मेरे पास एक और पॉइंट है लेट्स कॉल दिस आर एस ठीक है तो मेनैटन डिस्टेंस प्रमेरली वुड बी हॉरिज़ॉन्टल डिस्टेंस प्लस द वर्टिकल डिस्टेंस ठीक है और उनका जो डिफरेंस uh, आएगा ये इस केस के अंदर के तो इस केस के अंदर के मेरे पास जो मेनैटन डिस्टेंस आया आएगा दैट मेनहैटन डिस्टेंस और एल वन नॉम वुड प्रमैरली बी पी माइनस आर इसका नाम प्लस क्यू माइनस एस इसका नाम और ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस जो है ना वो बिटवीन दिस टू पॉइंट्स आ जाएगा ठीक है दिस इज़ वॉट वी कॉल एज एल वन नॉम अच्छा एल टू नॉम इसके अलावा दूसरा जो मेथड है विच इज़ कॉल्ड एल टू नॉम तो एल टू नॉम के लिए डिस्टेंस के लिए कैलकुलेशन के लिए वी कॉल दिस डिस्टेंस एज यूक्डियन डिस्टेंस ठीक है और यूक्लिडियन डिस्टेंस पर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स है तो ये मेरे पास यूक्लिडियन डिस्टेंस आएगा विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई दिस डायरेक्ट लाइन दैट कनेक्ट दीज टू पॉइंट्स और इस केस के अंदर uh, जो uh, मेरे पास जो फार्मूला बनता है डिस्टेंस uh, का यूक्लिडियन डिस्टेंस का दैट इज़ पी माइनस आर होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस एस स्क्वाड अंडर तो ये मेरे पास यूक्लिडियन डिस्टेंस आ जाता है तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस मैंने निकालना है या वो मैंने हेडन डिस्टेंस से मैं निकाल लूँगा या मैं यूक्लिडियन डिस्टेंस से निकाल लूँगा एक जरनलाइज फॉर्म मेरे पास आ जा जाती है विच वी कॉल्ड एज पी नॉम ठीक है पी नॉम के अंदर प्रमेरली कुछ इस तरह से मेरे पास चलता है फॉर्म तो इफ़ आई गॉट लेट्स एन नंबर ऑफ पॉइंट्स तो उस उस केस के अंदर आई बेसिकली बी कैलकुलेटिंग लेट से लेट मी कॉल दिस एज पी आइनस आर आएस टू पावर पी एंड देन आई टेक होल पावर 1 ओवर पी ठीक है तो मेरे पास जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनका बेसिकली स्क्वायर रूट लेने की बजाय यानी पी की वैल्यू अगर मैं टू कर दूंगा तो दैट यूक्लिडियन डिस्टेंस अगर पी की वैल्यू मैं वन कर देता हूँ तो दैट एक्चुअली कम्स आउट टू बी वी मैनहट्टन डिस्टेंस सो एल पी नॉम या पी नॉम इस पर मैरली या जर्नलाइज डिस्टेंस फार्मूला जर्नली हम करते ये हैं कि या मैनहट्टन डिस्टेंस यूज करते हैं या हम यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज करते हैं एंड आउट ऑफ दिसन डिस्टेंस पर मैरली यूज मोस्ट कॉमनली अच्छा अब हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मेरे पास कैटागोकल डेटा uh, आ जाए कैटागोल डेटा का मतलब ये है कि मेरे पास नोमरिकल वैल्यूज़ नहीं है यानी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कॉर्डीनेट नोमरिकल वैल्यूज़ नहीं है वो कैटेगोरिकल हैं फॉर एग्जांपल मैंने कलर ऑफ कलर की बेस के ऊपर और मेक की बेस के ऊपर जो है वो मैंने कार टाइप को डिफ़ाइन करना है फॉर एग्जांपल तो इस केस में कलर मेरे पास ब्लू हो सकता है और मेरे पास जो मेक है वो टाइटा हो सकती है और ये गाड़ी जो है दैट कुड भी वॉट चिकन से टू डोर और से फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पर मेरे पास आई कैन एक्चुअली कॉल कॉलिटर ट्रक कार टाइप नहीं है वहीकल टाइप कह रहे हैं इसको आप ठीक है वहीकल टाइप मेरे पास आ जाती है और भी कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं अब मेरे पास एक अनसीन जो पॉइंट आता है एंड आई वांट टू कैटेगराइज द व्हीकल टाइप अनसीन में मेरे पास आ जाता है ए, कलर जो है वो ग्रे आ जाता है ठीक है अब इस इस सूरत में जो डिस्टेंस मेरे पास आएगा कलर्स के दरमियान सो तो कलर मेरे पास आ गया ग्रे यहाँ पे कलर ब्लू है अगर इस इंस्टेंस के साथ मैं कंपेरिजन करूँगा ब्लू का और ग्रे का बिकॉज दे आर डिफरेंट तो आई कैन एक्चुअली से दैट द डिस्टेंस इज प्रमैरली वन और अगर यहाँ पर यह ग्रे की जगह मेरे पास कलर जो है वो ब्लू होता देन द डिस्टेंस बिटवीन दी बिटवीन दिस टू वुड बी ज़ीरो ठीक है तो दिस इज़ वॉट वी कॉल एज एमिंग डिस्टेंस ठीक है तो हैमिंग डिस्टेंस प्रमेरली जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर कैटागोकल डेटा सेट्स डेटा पॉइंट्स ठीक है जो कि नुमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है बल्कि कैटागोरिकल तो कैटेगोरिकल कंपैरिजन के लिए मेरे पास हैमिंग डिस्टेंस आएगा तो हैमिंग डिस्टेंस जो है वो वन या जीरो होगा जीरो सूरत में वैन बोथ द वैल्यूज़ आर सेम और वन सूरत में वैन वैन द वैल्यूज़ आर नॉट सेम तो इसका मतलब ये होगा कि जो डिस्टेंस रिप्रेजेंटेशन होगी दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ वैक्टर सो आई कैन एक्चुअली से दैट ओके इफ देर आर थ्री वेरिएबल्स एंड ऑल ऑफ दी थ्री वेरिएबल्स आर कैटागोरिकल तो वन जीरो जीरो वुड प्रमेरली मीन के एक्स वन जो है वो दिस इज रिप्रजेंटिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू इंस्टेंसिस तो डिस्टेंस बिटवीन टू इंस्टेंसिज में वन का मतलब यह है कि दो इंस्टेंसिस के अंदर एक्स वन की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है एक्स टू और एक्स थ्री की वैल्यू जो है वो सेम uh, है फॉर एग्जाम्पल मैं इस केस में यू हैव द नेम ऑफ द पर्सन एंड यू ऑल्सो हैव लेट से वदर द पर्सन इज़ स्टूडेंट और नॉट ठीक है तो यहाँ पर ये मेरे पास आ जाता है तो अगर नेम एक्जैक्टली सेम है ऑफ द टू तो मेरे पास डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो आ जाएगा और अगर दोनों इंस्टेंस में वो स्टूडेंट है तो अगेन डिस्टेंस मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा ठीक है और यहाँ पे लट से अगर एक मेरे पास एक और वेरिएबल है जेंडर और अगर जेंडर में डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल वन वैल्यू आ जाएगी सो दिस इज़ द डिफरेंस वेक्टर विच आई एक्चुअली डेनरेट और फिर मैं आई कैन काउंट कंपेयर द नंबर ऑफ वन और सिमिलैरिटी बिटवीन टू वैक्टर्स और उसकी बेस के ऊपर मैं हैमिंग डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करके ओवरऑल uh, डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ सो दिस इज़ हाउ द केयर नियरेस्ट नेबर अप्रोच एक्चुअली वर्क्स अच्छा के नीरेस्ट नेबर अप्रोच क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए अगर मैं यूज़ करता हूँ तो दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट आई एक्चुअली टोल्ड यू लेकिन अगर मैं इसको रिग्रेशन के लिए यूज़ करता हूँ के एन एन को रिग्रेशन के लिए यूज़ करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट जो है वो एक नुमरिक वैल्यू होगी ठीक है तो नुमेरिक वैल्यू के केस के में फॉर एग्जांपल एक इंस्टेंस मेरे पास यहाँ पे है एक इंस्टेंस यहाँ पे है इसी तरह से एक इंस्टेंस यहाँ पर एक इंस्टेंस यहाँ पर यहाँ पे इट्स नॉट अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इट्स मारली अ रिग्रेशन प्रॉब्लम यानी वैल्यू को प्रडिक्ट करना है और मेरे पास अन वैल्यू यहाँ पर कहीं पर आ जाती है और के की वैल्यू को जो है वो मैं थ्री एज्यूम कर लेता हूँ लेट्स से आसानी के लिए वट आई कैन डू इज़ दैट आई कैन एक्चुअली टेक दिस पॉइंट फर्दर और के की वैल्यू अगर मैं थ्री रखता हूँ तो इस सूरत में के नियरस्ट नेबर मेरे पास जो है ना वो ये बनेंगे और यहाँ पे मैं आई कैन एक्चुअली टेक देयर प्रमेरली इफ आई वांट टू प्रडिक्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने एक बंदे की सैलरी प्रडिक्ट करनी है तो यहाँ पे मेरे पास सैलरी फाइव के है यहाँ पे मेरे पास सैलरी टेन के है यहाँ पे सैलरी मेरे पास फिफ्टीन के है ऑफ दीज इंस्टेंसेज तो इस इंस्टेंस की जो सैलरी आएगी वो एवरेज सैलरी हो जाएगी सो दैट वुड प्रमेरली बी फाइव प्लस टेन प्लस फिफ्टीन डिवाइड बाई थ्री तो ये जो सर्कल वाला पॉइंट है इसके इसकी सैलरी प्रोडिक्शन मेरे पास कुछ इस तरह से आएगी तो मैं दिस सॉर्ट ऑफ रिग्रेशन विच आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इन दिस पर्टिकुलर केस अच्छा एक इसमें एक और चीज़ भी आ सकती है कि ये मैंने यहाँ पे तो ये जो वैल्यूज़ ली इसमें तमाम वैल्यूज़ को मैंने इक्वल वेटेज जो है वो दी है हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ कि आई कैन टेक द आई कैन एक्चुअली calculate the weighted sum of, of uh, uh, or the weighted average of, of different uh, say for example the uh, values so based upon uh, ke uh, mere jo, jo distance hai, wo, uh, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एज की बेस के ऊपर तो मेरे पास एक है एज और फिर मेरे पास है एक्सपीरियंस और एक इन दोनों की बेस के ऊपर मैं सैलरी को प्रडिक्ट करना चाह रहा हूँ ठीक है तो मेरे पास एज लेट से ट्वेंटी फाइव है एक्सपीरियंस टू ईयर्स है एंड द पर्सन इज़ ड्राॅइंग हंड्रेड के ठीक है और फिर मेरे पास एज है ट्वेंटी फाइव एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन इज़ लेट से फाइव ईयर्स और मेरे पास सैलरी है टू हंड्रेड के ठीक है और एक मैं और एक और एग्जांपल एक ले लेता हूँ फोर्टी एंड द एक्सपीरियंस इज लेट से ऑफ टेन इयर्स एंड द सैलरी ऑफ दैट पर्सन इज़ अराउंड फोर हंड्रेड के ठीक है अच्छा इस केस के अंदर लेट्स कम्स इन मै मेरे पास एज ऑफ द पर्सन इज अराउंड थर्टी फोर ईयर्स ऑफ एज है एक्सपीरियंस इज लेट से ऑफ थ्री ईयर्स तो इसकी मैंने सैलरी जो है वो प्रडिक्ट करी ठीक है तो एग्जैक्टली exactly अगर केगी इज इक्वल टू थ्री मैं लूँगा तो इन तीनों के साथ थर्टी फोर का डिफरेंस जो है वो ट्वेंटी फाइव से थर्टी फोर का डिफरेंस जो है वो मैं थर्टी uh, फाइव से ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव और फोर्टी से इसी तरह इसका डिस्टेंस डिफरेंस uh, जो है वो इनके साथ मैं लूँगा और बेस्ड अपॉन द वैल्यूज़ ऑफ़ दिस डिफरेंसेस इज़ इन वेट साइन करूंगा तो वाट वुड बी द वेट दैट आई कैन डिसाइड इन दिस पर्टिकुलर केस वेट कुड प्रमेरली बी द इनवर्स ऑफ द डिफरेंस ओके सो वन ओवर डिफरेंस जो है ना वो मेरे पास वेट डिफाइन कर सकता है इस केस के अंदर तो लेट्स थर्टी फोर जो है वो करीब है थर्टी फाइव के सबसे ज़्यादा करीब थर्टी फाइव के हैं ठीक है सो द डिफरेंस इज़ वन सो द वेट इन दिस पर्टिकुलर केस विद दिस पर्टिकुलर सनारी W2 जो केस सेकंड वेट है वो मैं इसको वन ओवर वन आ जाएगा विच इज़ डिनोमिनेटर इज़ प्रली रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस तो ये इसका वेट आ जाएगा दूसरे केस में मेरे पास जो डिफरेंस uh, आ रहा है दैट इज़ ऑफ नाइन तो W1 वन विच इज़ फॉर द फर्स्ट केस इसका वेट जो है ना वो वन ओवर नाइन आ जाएगा ठीक है और थर्ड केस के अंदर डिफरेंस सिक्स है तो डब्ल्यू थ्री मेरे पास जो है दैट इज़ वन ओवर सिक्स ठीक है अब ये आप इसमें देख लें कि जो सबसे ज़्यादा वेट है दैट इज़ ऑफ द वैल्यू दैट डेट इज़ क्लोजेस्ट तो मैं वेडिट एवरेज uh, भी ले सकता हूँ तो अब मेरे पास uh, यहाँ पे uh, इस केस के अंदर जो है आई वट टू प्रडिक्ट दिस और अगर मेरे पास एक सिंगल वेरिएबल है अगर मैं फ़र्ज़ करो एक्सपीरियंस को भी कंसिडर नहीं करता तो डिस्टेंस की बेस के ऊपर ही ए, ये जो सेकेंड वैल्यू है मेरे पास इसका वेट जो मेरे पास आएगा दैट इज़ डब्ल्यू टू इसका वेट मेरे पास डब्ल्यू वन है इसका वेट मेरे पास डब्ल्यू थ्री है तो जब मैं इन तीनों की एवरेज लूँगा ठीक है तीनों की एवरेज जब लूँगा तो इट वुड बी वेटेड एवरेज सो वेटेड एवरेज वुड मीन द डबल्यू वन एक्स वन ठीक है प्लस डब्ल्यू टू एक्स टू प्लस डब्ल्यू थ्री एक्स थ्री एंड डिवाइडेड बाई द सम ऑफ ऑल द वेट्स ठीक है तो ये मेरे पास आ जाएगी जहाँ पर मेरे पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री मेरे पास ये आउटपुट वेरिएबल्स आ जाते हैं मेरे पास ठीक है तो वेट्स मैंने assign इस तरीके से इन, इनके वेट्स को जो है वो मैं असाइन कर दिया बेस्ड अपॉन दैट ठीक है आ, इसी तरह से मेरे पास एक्सपीरियंस के भी वेट्स आएंगे दें देन आई कैन एक्चुअली टेक द एवरेज वेट ऑफ ईच इंस्टेंस और फिर ए, उसकी बेस के ऊपर आई कैन एक्चुअली डिसाइड कि सैलरी क्या होगी सो तो इस तरह से मैं जो डिस्टेंस बिटवीन आएगा टू पॉइंट्स उसकी बेस के ऊपर मैं इसको कर सकता हूँ अच्छा ये तो उस सूरत में था जब मैं एक्सपीरियंस को कंसिडर नहीं कर रहा अगर मैं एक्सपीरियंस को कंसिडर करता हूँ तो मैं पूरे वेक्टर का जो डिफरेंस है वो मैं लूँगा जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस ले लिया दो पॉइंट्स का तो एक मेरे पास एज का पॉइंट है दूसरे मेरे पास एक्सपीरियंस का पॉइंट है तो वो यूक्लिडियन डिस्टेंस में लेके दैन फ्राम देअर आई कैलकुलेट द वेट कलेक्टिव टू वेरिएबल्स और उसकी बेस के ऊपर आई थे डिसाइड के कौन सी आउटपुट को मैंने कितना वेट असाइन करना है राइट सो दिस इज आउ द्रोच वक्चुअली वर्क ठीक है इसमें जो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है दैट इज़ के लेट से वाट वुड बी द इम्पैक्ट अगर मैं के की वैल्यू को बढ़ाता हूँ ठीक है अगर मैं के वैल्यूज़ को बढ़ाना शुरू कर दूं तो लेट्स से के मैं लेट मी जस्ट टेक दिस एज एन एग्जांपल कि इफ आई हैव गॉट दिस आई हैव गॉट फ्यू पॉइंट्स हेयर अच्छा लेट्स जस्ट टेक दिस एज एन एग्जांपल तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मेरे पास ये है कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है क्लासीफिकेशन प्रॉब्लम मैं ले लेता हूँ और दूसरे मेरे पास ये क्लास है ठीक है ठीक है अगर के की वैल्यू जो है वो मैं स्मॉल रखता हूँ फॉर एग्जांपल वन रखता हूँ एंड दिस इज़ दी अननोन पॉइंट दैट आई हैव हैचुअली टेकन तो उस सूरत में मेरे पास जो सर्कल uh, uh, बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा लेकिन अगर मैं के की वैल्यू जो है वो कुछ ज़्यादा रख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं के की वैल्यू टेन रख लेता हूँ तो वो एक बड़ा सर्कल बनेगा जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल टेन वैल्यूज़ मेरे पास आती हैं तो इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल देर इज़ अ न्यू पॉइंट दैट इज़ समवेयर हेयर ठीक है और इसमें मैंने k की वैल्यू को जो है वो टेन रख लिया तो दैट वुड मीन कि दिस वुड हैव थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो मेरे पास जो सर्कल बनेगा वो रफली तकरीबन कुछ इस तरह से बनेगा तो यू कैन सी कि लार्जर द वैल्यू ऑफ के इट वुड हैव तो मोर एवरेजिंग इफ़ेक्ट ठीक है तो एवरेजिंग इफेक्ट ज़्यादा मेरे पास आता एंड यू ऑल नो किट जो है दैट इज़ प्रमेरली रिप्रेजेंटिंग बाइस ठीक है तो जितना ज़्यादा एवरेजिंग इम्पैक्ट होगा दैट इज़ हाई बाइस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर तो इफ़ यू रिम्बर रिग्रेसन के अंदर अगर मेरे पास कुछ ये इस तरह से कुछ पॉइंट्स थे एंड इफ दर इज एन इफ देर इज अ लाइन विच इज रिप्रेजेंटिंग दज मॉडल तो प्रमेरली वील बी दैट सच अ मॉडल वुड हैव हाई है ठीक है लेकिन इफ़ इट इज इफ इट इज़ लाइक दिस जिसमें एवरेजिंग इम्पैक्ट नहीं है बल्कि इट्स एन इंस्टेंटेनियस चेंज देर वहाँ पर वेरियंस ज़्यादा होता है तो इस केस के अंदर के नियरेस्ट नेबर के अंदर अगर मैं के की वैल्यू को जो है इफ़ के वैल्यू इंक्रीज दैन एज अ रिजल्ट द बाइस एक्चुअली इंक्रीजेज और अगर के की वैल्यू रिड्यूस होती है तो दैट वुड प्रमेरिली मीन कि मेरे पास जो है वो वेरियंस जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाती है विच इज़ दिस टाइप ऑफ अ बिहेवियर जो कि मेरे पास आता है तो ये के का इम्पैक्ट जो है दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर केस अगर मैं बाइस और वेरियंस को देखता हूँ इन इन केस ऑफ केयर नियरेस्ट नेबर्स ठीक है सो द रूल ऑफ थम इज़ के अगर मेरे पास बाइस ज़्यादा है मॉडल इज़ लेस कॉम्प्लेक्स लेकिन के की वैल्यू इस केस के अंदर मेरे पास बड़ी होगी और अगर मेरे पास के की वैल्यू छोटी है तो द वेरियंस वुड इनक्रीज और द मॉडल विल बी बिट मोर कॉम्प्लेक्स इन दिस पर्टिकुलर केस ओके जस्ट द लास्ट थिंग बिफोर वी फिनिश Uh, this and that is primarily uh, representing uh, one more thing that I would just like to explain uh, the last thing that is the decision boundary ne, uh, let's say how uh, to define hai. decision boundaries aap, इस केस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं के नियरेस्ट नेबर अप्रोच के अंदर भी सो लेट्स टेक एन एग्जांपल मेरे पास एक टू डी स्पेस है और इस टू डी स्पेस के अंदर आई हैव गॉट अ पॉइंट व्हिच इज लेट्स से प्लस पॉइंट हेयर आई गॉट अनदर प्लस हेयर आई हैव गॉट अनदर प्लस व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग हेयर एंड देन हैव गॉट अ माइनस साइन हेयर ठीक है एंड अ माइनस साइन हेयर ठीक है समवेयर हेयर अच्छा तो इस केस के अंदर लेट्स से के द टू पॉइंट्स दैट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर दीज आर दीज टू पॉइंट्स ठीक है तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान एग्जैक्टली सेंटर के अंदर मेरे पास जो है वो एक पॉइंट फर्ज uh, करें एक्जैक्टली exactly सेंटर पे एक एक लाइन अगर मेरे पास आती है दिस वुड एक्ट एज अ बाउंड्री सो द बाउंड्री इज़ एक्चुअली इक्वी डिस्टेंट और इज एक्चुअली इक्वी डिस्टेंस फ्राम बहुत दिस पॉइंट अगर मेरे पास कोई नया पॉइंट यहाँ पे आता है तो वो इट्स क्लोज टू माइनस तो उस माइनस की तरफ उसकी इंक्लिनेशन ज़्यादा होगी और अगर पॉइंट यहाँ पे आता है तो प्लस की तरफ उसकी इंकलीशन in, in, या उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा लेकिन अगर वो लाइन के ऊपर पॉइंट आता है तो दैट मीन्स कि वो इक्वी डिस्टेंस है ठीक है तो इसका मतलब ना वो माइनस की तरफ झुका हुआ है ना वो प्लस की तरफ झुका हुआ है तो दिस इज एक्चुअली द डिसीजन दिस इज प्रमेरली द लोकल डिसीजन बाउंड्री दैट दैट वी हैव अच्छा इसी तरह से ये प्लस मेरे पास है और ये माइनस मेरे पास है इसकी भी जो डिसीजन बाउंड्री बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वुड बी इक्वी डिस्टेंस फ्राम इच अदर ठीक है आ, तो अगर यहाँ पे पॉइंट है तो इट्स मोर टूवर्ड्स नेगेटिव अगर यहाँ पे पॉइंट है तो इट्स मोर टूवर्ड्स पॉजिटिव ठीक है सो नाउ वॉट वी कैन डू इज़ के इस केस के अंदर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान भी जो मेरे पास एक डिसीजन बाउंड्री बनती है वो तकरीबन यहाँ पर कहीं पर बनेगी विच इज़ इक्वी डिस्टेंस इफ आई सिम्पली कनेक्ट दीज लाइन्स टूगेदर ठीक है दैट वुड प्रमेरली रिप्रजेंट द डिसी एन बाउंड्री ठीक है सो so, मैं इक्वी डिस्टेंस दो क्लोजेस्ट पॉइंट्स को लूँ नेबरिंग पॉइंट्स को लूँ विच बिलोंग टू दोजिट क्लास और उनके दरमियान एग्जैक्ट सेंटर के अंदर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ एंड देन आई सिम्पली कनेक्ट द ठीक है तो उस वजह से डिसी एन बाउंड्री मेरी जो है वो ए, कुछ इस तरह से फॉर्म होती है अच्छा अगर मेरे पास एक पॉजिटिव पॉइंट लेट से एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे मेरे पास आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि नाउ द डिसीजन बाउंड्री वुड प्रमेरली शिफ्ट डाउनवर्ड्स तो अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान मेरे पास जो है वो तकरीबन यहाँ पे कहीं पे जा के जो है वो एक सेंटर एक पॉइंट आता है रफली और इसी तरह से इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो मेरे पास सेंटर पॉइंट आएगा वो यहाँ पे कहीं पे सेंटर पॉइंट आएगा तो इसका मतलब मेरी जो नई डिसीजन बाउंड्री बनेगी बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ दिस न्यू पॉइंट वो तकरीबन इस तरह से बनेगी ठीक है आ, तो एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिसीजन बाउंड्री मैं उसी वक्त लगा सकता जब मेरे पास ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे ठीक है सो वेन आई हैव मोर पॉइंट्स सो दैट इट मोरोलैस मेरा ख़्याल है कि ये के एन एन को मोरिस मैंने कवर कर लिया है द स्लाइड आर देर मैंने अपलोड कर दिया है उसमें यही डिस्कशन जो है ना वो है उसमें एक डिस्कशन वरूनी डाइग्राम की है वरोनी डाइग्राम प्रमेरली ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से डिसीजन बाउंड्रीज को ही वो रिप्रजेंट कर रहा है लेकिन सिंगल पॉइंट के अराउंड डिसीजन बाउंड्रीज ले रहा है सो so, हर पॉइंट के दरमियान जो है वो आपके पास डिसीजन बाउंड्री कुछ इस तरह से बनेगी तो लेट्स से कि मेरे पास अगर ये एक डायग्राम ये बनती है जिसमें एक ए, एक पॉइंट ये है लेट्स से कि मैं और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, ये है और इसी तरह से एक पॉइंट ये है मेरे पास तो so, इसका जे सेंटर है वो यहाँ पर आएगा इसका सेंटर यहाँ पर आएगा इसका सेंटर यहाँ पर आएगा एंड देन आई कैन एक्चुअली कनेक्ट दीज रीजनस टुगेदर ठीक है तो इस तरीके से मेरे पास जो है वो विरोनी डायग्राम बन जाएगा ठीक है सो दिस इज़ द वोनी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ठीक है ऑब्वियसली मैनुअली करना इसका सेंस नहीं बनता ये आप मैथमेटिकली कर सकते हैं तो विरोनी डायग्राम फॉर के इज़ इक्वल टू वन हमने डिटर्मिन किया क्योंकि हर रीजन के अंदर जो है वो एक पॉइंट है ठीक है और ये जो लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ की हुई हैं दे आर प्रमेरिली इक्वी डिस्टेंट फ्राम फ्रॉम ईच ऑफ द पॉइंट ठीक है तो अब लेट्स से कोई नया पॉइंट आता है और वो इस रीजन में फॉल करता है तो इस पॉइंट की जो भी क्लास होगी वो मैं इसे असाइन कर और अगर एक और पॉइंट यहाँ पे आता है तो इस रीजन में जो भी क्लास होगी इस पॉइंट की जो भी क्लास होगी वो मैं इसे असाइन कर दूँ ठीक है अगर मेरे पास व्रोनी डायग्राम मैं बनाता हूँ ऑफ के इज इक्वल टू थ्री या के इज इक्वल टू तो हर रीजन के अंदर मेरे पास एक से ज़्यादा पॉइंट्स या नंबर ऑफ़ पॉइंट्स आ जाएंगे आई थिंक दैट्स इनफ और अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑलवेज लाइक सेंड मी एन ई मेल और डिस्कस विद मी एंड आई बी मोर देन हैप्पी आंसर योर क्वेरीज जजाक थैंक यू वेरी मच अम